नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। भोपाल में सरकारी अस्पताल के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से दो मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां जेपी अस्पताल के कोरोना वार्ड में बुधवार देर रात दो मरीजों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि रात में ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी, जिसके कारण मरीजों की जान चली गई। जान गंवाने वाली 50 साल की रामरति अहिरवार आईसीयू में भर्ती थी, जबकि सीवी मेश्राम कोरोना संदिग्ध वार्ड में भर्ती थी। आरोपों पर जेपी के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रुकी थी, दोनों मरीजों की हालत गंभीर थी। अब तक इस मामले में किसी तरह की जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। 11 दिसंबर 2020 को हमीदिया के कोरोना वार्ड की 2 घंटे बिजली गुल होने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी। तब ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे 3 मरीजों की मौत हो गई थी। हालांकि जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई थी। आप देख रहे थे अब तक की खास खबर। और खास खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।